देखिए, जब भी मैं नए सब्जेक्ट के टीचर से जो कैंडिडेट हैं उनकी इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं अपनी अजम्पशंस, पिछली जो एनालिसिस की है, वो साथ में लेके चलता हूँ। वैसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ी लंबी लंबी इंटरव्यूज हुई हैं तो देखिए। लेकिन सब्जेक्ट वाइज वेरिएशन बहुत आ रही है। हिस्ट्री की यहाँ बात करेंगे, हिस्ट्री में कंपटीशन पहले देख लीजिए कितना है। मैंने बार बार वेरीफाई करने की कोशिश की है कि कितने मैक्सिमम कैंडिडेट थे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में सेंटर जो बना था, एक सेंटर में 210 के करीब हैं, लेकिन पोस्ट अच्छी हैं, 72 हैं। तो अगर यहाँ गलती होती है तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हिस्ट्री के कैंडिडेट, ये भी सुनने को आता है कि हिस्ट्री का यूजीसी नेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सोशल साइंस से, बाकी से जब कंपेयर किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन लेवल क्या था? द बिग फैक्टर, द बिग 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 बिगेस्ट फैक्टर इन हिस्ट्री। तो टोटल जो इंटरव्यू ली गई हैं उनमें से ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू जो थे स्कूल लेवल था। एक रिस्पांस ये भी आया कि सिक्स्थ लेवल के क्वेश्चन थे, 6 to 8 लेवल के क्वेश्चन थे। और मैंने इसको स्कूल कैटेगरी में कंक्लूजन भी ये निकाला है कि स्कूल के लेवल का पेपर था ये। आप लगा सकते हो 8th 10th और 10+, अधिक से अधिक 10+2 तक, ठीक। तो मेमोरी लेवल के 80+ क्वेश्चन थे, प्लस डाला है क्योंकि हिस्ट्री में फैक्ट भी ज्यादा होते हैं। लेकिन कुछ इंटरव्यू में कैंडिडेट्स ने ये कहा कि अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें पुरानी समझ को नई सिचुएशन में अप्लाई करना होता है। जब आगे जाके राजस्थान के पेपर की बात करूंगा ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। कुल मिला के हमें पंजाब के जो पेपर सेटर हैं वो राजस्थान से जब कंपेयर करेंगे तो थोड़ी शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ेगी। मैं उठा रहा हूँ। अच्छा, जो कई ऐसे भी जो थे कैंडिडेट्स जिन्होंने कुछ भी रीड नहीं किया, रीड किए बिना जा रहे हैं और 40 मिनट में वो, ये एक्सेसिव केस बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वो ये बात अलग है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो यूजीसी 2-3 बार क्लियर कर चुके हैं, तो इस ये केस है, इसको जनरलाइज मत कीजिए। तो ऐसे केस में कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई बुक नहीं, एक भी बुक नहीं पढ़ी इस एग्जाम में उन्होंने, तो 40 मिनट में कंप्लीट भी कर लिया है, तो वो श्योर भी बहुत है कि मेरे 80 से प्लस ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि इजी क्वेश्चन कितने थे और कितने इंफॉर्मेशन मेमोरी लेवल पर थे। तो यहां पर हम बढ़ा भी सकते हैं, 85 तक इजीली जा सकते हैं कि 85% यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो स्कूल लेवल के और जो मेमोरी लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक। तो जब वेरिएशन देखते हैं तो बाकी जनों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं विद इन टाइम सबका कंप्लीट हुआ है, जितने जनों से मैंने पूछा है। ऑन एवरेज जिन्होंने ज्यादा टाइम भी लगाया है तो वो 2 घंटे से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले अपना पेपर कंप्लीट कर चुके थे। हाँ, लेकिन नुकसान किन का हुआ आगे चल के मैं बताता हूँ। नुकसान उनका हुआ जो हायर लेवल की स्टडी करते रहे, जो इन डेप्थ स्टडी करते रहे, जो कंसेप्चुअल स्टडी करते रहे, जिन्होंने ये देखा ही नहीं कि स्कूल से भी पूछा जा सकता है। जब हिंदी का हमने कंपेयर किया, देखिए हिंदी में 95% क्या है कि यूजीसी के पेपर आ रहे हैं, तो इसमें यूजीसी के, आगे चल के चलो बात करते हैं, इसमें यूजीसी के 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। एक क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, इस बुक का नाम, कोटेशन किसने दी, ये संस्था जहां ये बिल्डिंग कब एस्टेब्लिश हुई, इसका निर्माण किसने किया, ये क्वेश्चन जो नेचुरली है 6th 7th 8th के में पूछे जाते हैं। तो हम, अच्छी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, हम निर्माण करेंगे इस क्वेश्चन से, जो जो हमारे पास अगर इवेल्युएशन सिस्टम अच्छा नहीं है, एग्जामिनेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हमें पता है कि 1 क्वेश्चन ने 2 क्वेश्चन ने नहीं 100 क्वेश्चन ने एक कैंडिडेट के फ्यूचर को डिसाइड करना है, सेलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, और अगर वो एमसीक्यू का क्वेश्चन ही धोखा दे जाएगा तो सिलेक्शन अच्छी कहां से होगी, ठीक। ये बात डिफरेंट है कि किसी की सिलेक्शन होनी है, मैं मुझे उस उनसे खुशी ही होगी, लेकिन ये बात याद रखनी है कि हमने अगर अच्छा एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करना है तो ये हमारे वीकेस्ट लिंक है।
तो हमें ट्रेनिंग देनी होगी एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो करप्ट सिस्टम है उसको ठीक करना होगा। वो कब होगा? निराशा दिखाऊंगा तो फिर उल्टा होगा। ठीक, तो फैक्चुअल क्वेश्चन जो थे, एक ने कहा कि फैक्चुअल क्वेश्चन जो उसको मेमोरी लेवल से कंपेयर डायरेक्टली कर सकते हैं, कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चन वेरी लो थे। ठीक, तो रेटिंग जब करते हैं क्वेश्चन जो थे, 70 क्वेश्चन को वेरी इजी की कैटेगरी में रखा जा रहा है। इट मींस हिस्ट्री का लेवल बाकी से कंपेयर किया जाए ज्यादा लो है। ये भी कहा गया जब पेपर देके आए तो काफी लोग खुश थे, वाह वाह इतना आसान, इतना आसान आसान। और चलो पता नहीं कब हम इवैल्यूएशन का कंसेप्ट, हम तो एजुकेशन में टीच करते हैं, कब समझेंगे कि इवैल्यूएशन का मतलब है कि राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, जो नॉलेजेबल था, जो स्किल्ड था, उसको सिलेक्ट करना। नेशनल प्रोफेशनल जो है स्टैंडर्ड फॉर टीचर है, उसमें देखिए कि स्टैंडर्ड कैसे बन रहे हैं, इतने कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, टीचर की नॉलेज भी डेवलप हो, स्कूल लेवल पर है नॉलेज भी, वैल्यूज भी, एथिक्स भी, अपना स्किल्स भी, उसका बिलीफ सिस्टम भी ठीक हो, उसको मल्टीपल सोर्सेज से फीडबैक लेके इवेल्युएट किया जाएगा, तब वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, तब उसको इंक्रीमेंट लगेगी, तब उसको जो प्रमोशन मिलेगी। तो अगर स्कूल लेवल पर ये सोच रहे हैं, लेकिन स्टेट, एक स्टेट में क्या हो रहा है कि कैसे हम कितने इजी क्वेश्चन, जब इजी क्वेश्चन एक डीपी वैल्यू मैंने बताई थी डिस्क्रिमिनेशन पावर एमसीक्यू की होती है, तो ये 70 क्वेश्चन डायरेक्ट डिलीट हो गए अगर आपने कोई ऐसा हिस्ट्री का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज करना है तो ये तो सीधे निकल गए। अच्छा, ये भी लगभग निकल जाएंगे, 10 से 15-20 क्वेश्चन शायद काम के हो। ठीक है, तो इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी नॉनसेंस क्वेश्चन कह सकते हो। जैसे मैं कह दूं कि बताइए आपके सिर में कितने बाल हैं, हाँ, तो फिर मैं कहूं दिखा इसको इतनी भी नॉलेज नहीं है, तो ये सेंस वाला क्वेश्चन नहीं ना हुआ। उस ईयर में उस बुक में ये कोटेशन किसने कही थी, इससे हम अच्छी सिलेक्शन कर पाएंगे। तो हाँ, लॉजिक वाले 10 क्वेश्चन वो कहते हैं जहां लॉजिक हमें अप्लाई करना पड़ा, हम रीजनिंग से, एनालिसिस से, सिमिलैरिटी से क्वेश्चन को ढूंढ पाए, तो ये क्वेश्चन की कैटेगरी रही है हिस्ट्री में। जो मेरा 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 सैंपल भी देखिए कम होता है, उसको जनरलाइज मत कीजिए, पर ये बात कुछ कंक्लूजन स्पष्ट सामने आ रहे हैं कि हमारे पेपर सेटर जो हैं वो बहुत जल्दी में सारे पेपर सेट कर पाए हैं, जितनी सब्जेक्ट की मैंने अभी तक इंटरव्यू ली है। नेक्स्ट है कि यूजीसी का लेवल था कि नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन कितने हुए हैं, यूजीसी के डायरेक्टली 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हिस्ट्री में। ठीक, इट मींस कंसल्ट किए गए हैं। दूसरा, रिसर्च के लगभग 6 क्वेश्चन थे जो इनडायरेक्टली वही आए हैं। वो कैसे आए हैं कि जिसने भी ये क्वेश्चन रिसर्च वाले बनाए होंगे उसने यूजीसी के क्वेश्चंस को रीड किया है, उनमें से इंफॉर्मेशन उठाई है, ये राइट नॉलेज है, ये राइट नॉलेज है, उस राइट नॉलेज को कंबाइन करके जहां ऑप्शन चेंज करके नए क्वेश्चन बना दिए। तो ये टोटल यूजीसी की रेपिटेशन अगर माननी है 2 से 6 तक मान सकते हैं, बाकी यूजीसी में से हिस्ट्री का कुछ नहीं आया according to the analysis on the basis of these interview. अच्छा, distribution क्या equal रही, 10 unit है UGC net में, क्या 10 mark के ही सभी में से आए? हाँ, अब मैं जितने question जो paper evaluate मैंने किए हैं उनमें से सबसे ज्यादा equal distribution history में देखी गई है। और ये भी बताया गया है कि प्राचीन जो हिस्ट्री है उसमें से 30 क्वेश्चन ऐसे ही यूजीसी में आता है, मध्यकाल के भी 30 क्वेश्चन, आधुनिक काल के भी 30 क्वेश्चन, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री और हिस्टोग्राफी के 10 क्वेश्चन। इसको अगर कन्वर्ट करते हैं 10 यूनिट ऑफ यूजीसी में, उसमें डिस्ट्रीब्यूट वो कर रहे होते हैं। हाँ, अगर बायसनेस देखनी है कि वो क्या कवर नहीं किया गया, कई कैंडिडेट्स ने पंजाब पर ज्यादा फोकस किया था क्योंकि पंजाब की पोस्ट है, पंजाब की ही हिस्ट्री आएगी ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन सिर्फ पंजाब की हिस्ट्री पर आए। वर्ल्ड की हिस्ट्री वैसे यूजीसी में भी कहते हैं नहीं आ रही, इसमें भी कोई हिस्ट्री नहीं पूछी गई। इंडिया आने वाले जो जिनके हमारी फिलॉसफी है, नेशन की फिलॉसफी है, अब हम अपनी संस्कृति और अपने हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इससे ऐसे कंक्लूजन देखे जा सकते हैं संभावना। क्या क्वेश्चन चैलेंज किए जा सकते हैं हिंदी में भी,
चैलेंज नहीं होंगे क्योंकि वो एग्जैक्ट यूजीसी से उठाए थे और हिस्ट्री में फैक्चुअल क्योंकि ज्यादा थे, फैक्चुअल को क्या कहोगे, ये युद्ध किसके और किसके बीच हुआ, इसका निर्माण किसने किया, वो वही रहेगा है ना। तो वो वैसे ही है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है ना, मिस्टर केजरीवाल, वो तो राइट आंसर है, उसको क्या चैलेंज करोगे। ये चैलेंज निग्लिजिबल है, इसमें संभावना बहुत कम है। ये फैक्टर मैंने क्यों रखा है, क्योंकि अगर चैलेंज होता है तो आपके प्रोसीजर डिले होता है। अब गवर्नमेंट बड़ी जल्दी आपको ज्वाइन कराने वाली है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर देने वाली है, वेरिफिकेशन बड़ी जल्दी से होगी, लेकिन कोई अड़चन आ सकती है। शायद ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि क्यों ऐसे क्वेश्चन डाले गए। वैसे ये पूरा बन नहीं रहा क्योंकि केमिस्ट्री में देखिए काफी डिफिकल्टी लेवल था। ये फैक्टर के इजी क्वेश्चन डालेंगे, फैक्चुअल होंगे, उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप, ठीक। तो ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते, एक तो के बड़े इजी क्वेश्चन थे। हाँ, क्वेश्चन को चैलेंज अगर कोर्ट में करते हो तो प्रोसीजर आपका डिले होगा। शायद इंस्ट्रक्शन ये हो कि ऐसे क्वेश्चन डालिए जिनको चैलेंज ना किया जाए, दैट इज वाई। एक कारण ये भी हो सकता है। फिर पेपर सेटर, पर पेपर सेटर को ये तो नहीं ना चाहिए कि 70% इतने इजी क्वेश्चन स्कूल लेवल के डाल दें। इट मींस वी आर नॉट स्किल्ड इन कंस्ट्रक्टिंग एमसीक्यूज। अच्छा, प्रिंटिंग एरर थी, एक प्रिंटिंग एरर मिली, यहाँ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसी एरर जो है चैलेंज की जा सकती है। इंग्लिश में 1947 था, पंजाबी ने कुछ और लिखा था, वो मिसमैच था। लेकिन शायद कहते हैं आपको इंस्ट्रक्शन है कि अगर ऐसी मिसमैचिंग होती है तो इंग्लिश वाले को ठीक समझा जाए। यहाँ पर भी आप इंग्लिश का क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है अपना चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, प्रोसीजर डिले नहीं होगा। अच्छा, एक बड़ा फैक्टर आ रहा है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में वो कैंडिडेट काफी ज्यादा है, मेरे मुताबिक 20-30% कैंडिडेट होंगे जो पीएचडी जिन्होंने की है, यूजीसी नेट जिनका क्लियर नहीं है। अगर वो कैंडिडेट हैं, उनकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जाती है कि जो यूजीसी नेट जिनका क्लियर है उनसे कम होगी। कारण क्या है कि यूजीसी नेट जिन्होंने किया है वो उनकी मेंटल एक्सरसाइज, वो फैकल्टी ऑफ माइंड वो डेवलप थोड़ी हुई है, फ्रेश है, नॉलेज से टच है। एक फैक्टर है, जरूरी नहीं है, ये इनके भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत डेडिकेशन से पढ़ा रहे थे, नए नई नॉलेज लेके पढ़ा रहे थे, तो नेचुरली प्रोबेबिलिटी इनकी भी बनेगी। पर ये एक फैक्टर है कि अगर यूजीसी नेट जिन्होंने 2-4, 1-2, 5 साल में किया है, दूसरा सिलेबस भी यूजीसी में था, इन्होंने यूजीसी के सिलेबस को पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, दैट इज वाई दिस इज ए फैक्टर इन सिलेक्शन ऑफ दिस टेस्ट, के यूजीसी नेट वालों के सिलेक्ट होने की संभावना ज्यादा है। हाँ, यहाँ जो पीएचडी वाले, अगर वो गेस्ट फैकल्टी उसमें है, उनको 5 मार्क्स या 4-3 जितने मार्क्स मिलते हैं, वहां ये एक्सेल फिर भी कर सकते हैं। तो बट अकॉर्डिंग टू माई व्यू पॉइंट, यूजीसी नेट वाले कैंडिडेट की संभावना ज्यादा है। जेंडर फैक्टर जो सबसे डिफरेंट आया है, सबसे डिफरेंट हिस्ट्री में मेल पर्सन ज्यादा है, लगभग 80% जो मेल कैंडिडेट्स हैं और 20% के करीब फीमेल कैंडिडेट हैं। अच्छा, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को फायदा हो गया क्योंकि इनकी रिजर्वेशन भी होती है, मेल की जनरल की रिजर्वेशन नहीं है, बाकी रिजर्वेशन है। पोस्ट इनकी 72 सी शायद, अगर गलत होती है पोस्ट तो आपको पता होगी कितनी है, लेकिन कैंडिडेट हमारे थोड़े या मेरे ख्याल ज्यादा मुबारक वाली बात हिस्ट्री वालों के लिए बनेगी तो हिस्ट्री वाले लेकिन फैक्टर बहुत ज्यादा है। अच्छा, पंजाब और राजस्थान के टेस्ट को कंपेयर करना बहुत जरूरी है, हम इंडिया और स्टेट लेवल के डिफरेंस को समझ सकते हैं। ये वीडियो मेरी, मैंने आपको एक वीडियो में रिफ्लेक्शन के लिए कहना है, ये मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, ये रिफ्लेक्शन है, यूट्यूब पर पड़ी रहेंगी, इससे आने वाले उनको समझ मिलेगी कि ऐसे ऐसे टेंडेंसीज, ट्रेंड्स और हमारे प्रैक्टिसेस जो है वैल्यूएशन एग्जामिनेशन की रही है। पंजाब का सबसे पहला डिफरेंट, ये मेजर कंक्लूजन इसको निकाला जा सकता है, डिफिकल्टी लेवल क्या है हमारे क्वेश्चंस का, एमसीक्यू का। हिस्ट्री में तो पक्का है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का भी जब कंपेयर करते हैं, ये डिफरेंस मिल रहा है, वेरी लो पंजाब का डिफिकल्टी लेवल, मतलब इजी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मतलब वो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को ज्यादा जने पास कर लेते हैं उसको इजी क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बीच में रखना ही नहीं चाहिए। अगर पेपर सेटर को ये एग्जामिनेशन का जो एमसीक्यू कंस्ट्रक्शन का ये जो प्रिंसिपल है वो पता हो। अच्छा, राजस्थान में वेरी डिफिकल्ट,
कॉम्पिटिटिव। देखिए जहां हमारी इतनी स्टैम बनती है, एक शख्स ने तो ये भी कहा कि हमारे सर इतनी लंबी स्टैम बनती है कि एक क्वेश्चन एक पेज में कई बार दो या तीन क्वेश्चन आते हैं, उस स्टैम को पढ़ते हो समझते हो फिर अप्लाई करोगे ना, तो जो फैक्चुअल नॉलेज है वो ये किसने कहा, निर्माण किसने किया, वो सिंपल सीधी सीधी सी बातें पूछी जाती है, कोई रिस्क नहीं। इसमें रिस्क भी है, ये एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग। आप सोच सकते हो हिस्ट्री में भी एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट। अगर किसी ने बनाए है तो उनको मुबारक, उस पेपर सेटर को सल्यूट, वेरी वेरी सल्यूट। ओके, तो राजस्थान में देखिए दो फैक्टर है, इतना डिफिकल्टी लेवल एप्लीकेशन लेवल, ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी आप देख सकते हो, यहां राजस्थान है और पंजाब के पेपर सेटर जो है, पेपर सेटर को ही कहूंगा मैं, एमसीक्यू कंस्ट्रक्टर, हम मेमोरी लेवल से भी नीचे चल रहे हैं, नीचे कह रहा हूं, क्योंकि जो जिस क्वेश्चन को सारे ही सॉल्व कर लें, जिसने पढ़ा भी नहीं बहुत पढ़ा है दोनों सॉल्व कर ले यार, वो उस क्वेश्चन को रखा क्यों है, क्वेश्चन इसलिए रखते हैं ना, ये बताओ कि कौन सा अच्छा पढ़े नॉलेज वाला, कौन सा कम नॉलेज वाला, वो कहता सारे नॉलेज वाले, इस क्वेश्चन को क्या करोगे भाई। अच्छा, तो राजस्थान की क्वालिटी और पेपर सेटर की क्वालिटी हमारे से मच बेटर है, इसको समझ लेना चाहिए, इसको मान लेना चाहिए, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो एक ये भी रिस्पांस आया कि जो एंट्रेंस टेस्ट हैं वहाँ मास्टर लेवल के होते तो वो हिस्ट्री में इससे, कईयों ने ये कहा 10 गुना इससे जो डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा होता है, पढ़ना पड़ता है, उन्होंने कहा कंसेप्चुअल ये वर्डिंग यूज की, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एप्लीकेशन लेवल, लॉजिक अप्लाई हमें करना पड़ता है। यहाँ ये निर्माण किसने किया भाई, इसने किया भाई, ये हम सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये था डिफिकल्टी लेवल राजस्थान और पंजाब के असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये जो टेस्ट हमारे होते हैं उनका कंपैरिजन। दूसरा करप्शन लेवल, करप्शन लेवल पंजाब में लो आ रहा है, अभी तक कोई करप्ट साइन नहीं मिल रहा है, आगे देखिए क्या होता है, मैं खुद नहीं कहता क्योंकि इतना सुन लिया राजस्थान के बारे में कि ये डिफिकल्टी लेवल इतना है। बड़ी अच्छी बातें हैं राजस्थान की और, लेकिन करप्शन में वेरी हाई, क्योंकि को हर क्वेश्चन वहां पेपर जो होता है ना, ये देखिए पेपर जो है राजस्थान में लीक अक्सर होते रहते हैं, जैसे हमारे टैप नहीं होती वो लीक हुई रहती है, तो राजस्थान में पेपर ऐसे लीक हुए रहते हैं। तो कई नेता ये भी कहते हैं भाई ये पेपर खुले मिले, वो थोड़ा पानी वगैरह पड़ गया था तो उसको हवा लगानी थी इसके स्कैम होते रहे हैं, 200 क्वेश्चन मैंने पीछे बोला है कि एक गाइड में से ही डाल दिए गए, वहां क्वालिटी वो एक पेपर में हुआ है, लेकिन बाकी पेपर में जो खास करके हिस्ट्री वालों ने जो मुझे बताया है, राजस्थान वालों ने, उन्होंने कहा है कि हमारे डिफिकल्टी लेवल क्वालिटी मच बेटर होती है। अच्छा, एक जने से नहीं मैंने पूछा, एक से ज्यादा से पूछा है। तो एक बड़ा अजीब पॉइंट देखिए आया कि इतनी ज्यादा सख्ती होगी, देखिए ये चोर और सिपाही की गेम है, हम जो कैंडिडेट हैं चोर है वो सिपाही हैं, पता नहीं सिपाही कभी चोर बन जाता है या डाकू बन जाता है, ये अलग बात है, यहाँ चोर नेगेटिव मत समझना। तो वो लोग जो लीक करवाते हैं वो कौन होते हैं, वो पावर वाले मनी वाले पॉलिटिकल जहाँ फाइनेंशियल पीपल होते हैं जो खरीद लेते हैं, पेपर ही खरीदा जाता है 8 लाख में 6 लाख में राजस्थान में मिल जाता है, ऐसा कहना है उनका। अच्छा, चप्पल में ब्लूटूथ की रिपोर्ट देखो आई है कि ब्लूटूथ लगा के आप चप्पल पहन के जाते हो, पिछला जो पेपर हुआ जिन कैंडिडेट से मैंने पूछा वो कहते चप्पल उतार के पेपर देने आओ, जब हम पंजाब में पेपर देने आए तो कहते क्या बात है यहाँ पर चप्पल पहन सकते हैं, इट कम इस मीन के पंजाब में करप्शन कम है पंजाब इस नेगेटिविटी से थोड़ा बचा हुआ, कितना बचा हुआ है फ्यूचर में हम देखते हैं, आस करते हैं कि बचा रहेगा। ठीक, तो अच्छा जो उनकी शीट्स भी आती थी, उन्होंने आके देखा कि आपके सिंगल सील लगी हुई है, उनका पेपर पहले पैक होता है उसमें कवर होता है, फिर पता नहीं अंदर से कहां से पेपर ढूंढ पेपर में से फिर उनको क्वेश्चन मिलता है मतलब काफी सिक्योरिटी उनकी रखती है, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी लगातार
पेपर स्कैम लीक पेपर बिक रहे हैं, इवन व्हाट्सएप पर पेपर कई बार पहले आ गए। एक बच्चे ने तो एग्जाम की वीडियो अंदर से एग्जाम देते हुए की वीडियो सारी बना के दिखा दी, देख लो राजस्थान वालों अपना सिक्योरिटी सिस्टम एग्जामिनेशन सिस्टम के मैंने चैलेंज कर दिया है। बाद में बेचारे को पकड़ भी लिया गया, चलो वो कानून की बात है। अच्छा एक राजस्थान का और अच्छा पॉइंट है, वेरी अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट है, वेरी वेरी गुड पॉइंट, रेगुलर पोस्ट निकलती रहती है वहाँ। पंजाब वालों को तो दर्शन हुए हैं अभी 20-22 साल बाद, जय हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, 20-22 साल के इंटरवल के बाद हमें पोस्ट मिली है, वो कितनी जल्दी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, MCQ बना दो, सिलेक्ट करने हैं, कर लो भाई। ओके एमसीक्यू पेपर सेटर सभी ने कहा है कि पेपर सेटर वेरी पुअर है, वेरी पुअर, ये जनरलाइज कर लीजिए, ठीक। अच्छा अब जस्टिस कहाँ नहीं हुआ, जिसने बुकिश जो स्कूल लेवल की जिसके पास नॉलेज थी या बुक्स पढ़ी हुई थी 10+2 तक 10th की, उनके हाई रैंक आने की संभावना दिखाई दे रही है। और जो डीप लर्निंग करते रहे, कंसेप्चुअल लर्निंग करते रहे, अंडरस्टैंडिंग करते रहे, उनके लिए जो वो निराशा दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिन्होंने डीप अंडरस्टैंडिंग की हुई है, हाँ अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो आपके जो कैसे नॉनसेंस क्वेश्चन, अब आपको बताऊं तो एक इंटरव्यू लेने वाला एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको पक्का जवाब ना आए, आपके सामने अगर आप किसी को सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो कितने नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ लीजिए, नहीं हो जाएगा, तो ये जस्टिस है ही नहीं। अच्छा अब पेन इनके लिए दिखाई दे रही है, बाकी रिजल्ट जो होगा उस पर स्पष्ट होगा। ब्लूम की टैक्सोनॉमी से अगर कंपेयर करें तो देखिए एक शख्स है जो एप्लीकेशन, इवन क्वेश्चन नहीं है एनालिसिस एवेल्युएशन क्रिएशन के, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बन सकते, एप्लीकेशन लेवल तक ही बन सकते हैं, ठीक। तो किसी ने तैयारी ये सब्जेक्टिव इतनी करी है कि इवेल्युएशन एनालिसिस लेवल पर पढ़ा हुआ है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार सिलेक्शन लेवल का टेस्ट है, एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग के मुझे अच्छे से तैयारी करनी है, और उसने किसी कॉर्नर पर पड़ी हुई बुक, किसी ने थ्योरी पूरी पढ़ ली है, समझ आ गई, कंसेप्ट प्रिंसिपल सारे समझ आ गए हैं, तो लेकिन ये नहीं पढ़ा कि यार वो बंदा किस देश का था, वो जो शख्स था वो उसकी बुक अगले मेरे ख्याल में सिलेक्शन टेस्ट में आएगा कि उस बुक का कलर कौन सा था, ठीक है, उस बुक के पेज कितने थे, तो ऐसे भी हो सकता है मेरे ख्याल में, सॉरी वेरी सॉरी। तो जो यहां तक की तैयारी कर रहा है, इस यहां तक की समझ है, उसको सेलेक्ट अगर नहीं किया गया तो जस्टिस नहीं है। तो इन मैं नहीं कह रहा कि इनके सिलेक्शन की खुशी नहीं है मुझे, पर इनकी सिलेक्शन ना होने का दुख मुझे पक्का है, ठीक। इससे हम अच्छे इंडिया के निर्माण नहीं कर सकते। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब कितनी हो गया, एक साल हो गया, अप्लाई हो भी रही होगी, लेकिन ये करप्शन, ये जो हमारी एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट MCQ वो दिखाई नहीं दे रहे यार कहीं, तो मेरे ख्याल में ये दुख की बात है। इसके अलावा सॉरी ये हिंदी का है, ये हो गया है, तो निराश नहीं होना, सीखना है, जितनी वीडियो बनी है उनमें से कुछ कंक्लूजन आ रहे हैं सामने, मैं लर्न कर रहा हूँ, ठीक। तो हम अब रिजल्ट ही जल्दी ही रिजल्ट आ रहा है, जहाँ की आ रही है कोशिश है गवर्नमेंट की, इलेक्शन के कारण जल्दी ज्वाइनिंग भी होगी, तो लेकिन जो हमने अपना कर्म करना था कर दिया, लर्निंग के साथ नेक्स्ट हमने देखना है, निराश नहीं होना, कोसना नहीं है, अपनी लक को बैड नहीं कहना, ठीक है, आप कर्म कर रहे हो, देने वाला देता ही है, हमेशा हमेशा।